Hello everyone, namaste and welcome to Let's Learn Together. Today we will learn boundary bars. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं इंग्रेडिएंट्स. Before starting the recipe, if you guys haven't subscribed to my channel yet, then do subscribe and press the bell icon. सबसे पहले एक बाउल में लेंगे ड्राइड श्रेडेड कोकोनट. इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क. अब इन दोनों चीज़ों को स्पैचुला या अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे. दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब बारी है इसे शेप देने की. आप चाहें तो बाउंड्री बार के जैसा शेप बना सकते हैं और अगर चाहें तो बॉल्स भी बना सकते हैं. इसी तरह से हम सभी बार्स बना लेंगे. सभी बार्स रेडी हो चुकी है तो अब इसे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे. मीनवाइल डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे. उसके लिए मैंने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे. अब चॉकलेट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस बाउल को बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखेंगे और स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से चलाते रहेंगे. चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो अब ट्रे बाहर निकाल कर चेक करते हैं. बार्स अच्छे से सेट हो चुकी है तो अब स्पून या फॉक की मदद से सभी बार्स को 1 by 1 चॉकलेट में डीप करेंगे और सभी साइड से अच्छे से कोट कर लेंगे. आफ्टर कोटिंग इट परफेक्टली विल प्लेस इट अगेन ऑन अ बटर पेपर. सभी बार्स अच्छे से कोट हो चुकी है सो नाउ विल गिव 3 gentle strokes विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला टू गिव इट अ परफेक्ट बाउंड्री बार लुक. अब इस ट्रे को फिर से रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे. So, if you guys liked my video, then don't forget to hit the like button and share it with your family and friends. Thank you.